हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू कॉन्कर एपीएससी एडीआरई चैनल। ये वीडियो असम ज्योग्राफी सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, बराक रिवर सिस्टम, माउंटेन ऑफ असम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए गाइस, मैं इस चैनल पर कम्प्लीट असम ज्योग्राफी और नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिए। इसमें मैंने कम्प्लीटली डिस्कस करा है मैंने असम का जो इंटरस्टेट बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सब सारा मैंने डिस्कस किया है। इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट का सारे स्टेट वाइज मैंने नेशनल पार्क, माउंटेन, हिल, रिवर सारा डिस्कस करे हैं। तो आप जाइए इस चैनल, इस प्लेलिस्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं और निमोनिक्स हैं इनको याद रखने के लिए और बहुत सारे आपकी ये हैं निमोनिक्स हैं इनको याद रखने के लिए। जैसे मुझे याद है ऐसे मैं आपको याद करने की कोशिश किया है। तो आप जाइए, इनसे बहुत कुछ सीखिए और आपका एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करिए, आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, ठीक है गाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। देखिए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रह्मपुत्र को, ये आपकी तिब्बत में या चाइना में क्या बोला जाता है, यारलंग संगपो बोला जाता है। एक ओरिजिनेट कहाँ से होता है, अंगसी ग्लेशियस या चीमा यंगडोंग ग्लेशियस से ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट होकर इधर से आती है, आके यहाँ पे यू टर्न लेती है। क्यों यू टर्न लेती है सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपकी ये सिंटेक्सियल बैंड की वजह से। और कौन सी जगह का नाम क्या है, नमचा बरुआ, सारा भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, आप जाइए देखिए, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसते हैं, अरुणाचल प्रदेश के आपके हिल में इसका नाम क्या बोला जाता है, सियांग बोला जाता है। और आपकी ये प्लेन में इसका नाम क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। फिर देखिए, फिर ये आसाम में घुसती है, आसाम में घुसने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, इधर से एक रिवर आती है उसका नाम क्या है, दिबांग रिवर आती है। फिर इधर से लोहित रिवर आती है, आके जब ब्रह्मपुत्र ये रिवर के साथ मिलती है देन उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है भाई। देखिए, इस साइड का जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर ये क्या क्या होता है, असम की मीड से होके आती है, ऐसे आती है ऐसे आके बांग्लादेश में घुसती है। बांग्लादेश में घुसने के बाद ये इधर से एक रिवर आती है, सिक्किम से एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है, तिस्ता। ये मिलती है ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाती है। फिर इधर से हमारी इंडिया का गंगा रिवर आती है, गंगा रिवर आके मिलती है ये जमुना के साथ मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है। फिर इधर से देखिए बराक रिवर आती है, और मणिपुर से ओरिजिनेट होते हैं बराक रिवर का, इधर से आती है, ठीक है। इधर से आती थी नागालैंड के बॉर्डर से, इधर आके आती है, इधर आके आपकी मिज़ोरम के बॉर्डर पे लगती है, लग के ये असम में घुसती है। असम में घुस के असम के जो बराकवेली रीजन है उसके थ्रू जाती है, फिर जाके बांग्लादेश में घुसती है। फिर बांग्लादेश में इसकी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक है आपका सुरमा और एक कुशियारा में डिवाइड हो जाती है। फिर जाके ये मिलती है पद्मा में मिलने के बाद इसके नाम होता है क्या, मेघना। और मेघना नाम से ये क्या है, पूरा ये जो हमारे ब्रह्मपुत्र, बराक और गंगा रिवर जाके हुए बंगाल में गिरती है, ठीक है भाई। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर का जो इस साइड का जो ट्रिब्यूटरीज है, ये देखिए नॉर्थ साइड का ट्रिब्यूटरी, इनको नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये मानस रिवर निकलती कहाँ से, भूटान से निकलती है, आगे हमारे ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, ठीक है। फिर ये देखिए हमारी कामिंग रिवर कहाँ से निकलती है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बताइए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कामिंग रिवर कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। आगे हमारी ये मिलती है कहाँ पे, हम ब्रह्मपुत्र में। ये देखिए हमारी, ये हमारी सुबनसिरी रिवर भी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और निकल के आगे ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, ठीक है। सुबनसिरी रिवर हो गया, ये तो हम सब देख चुके हैं। फिर ये देखिए एक रिवर है, इसका नाम है दिसांग रिवर कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और आके ज्वाइन होती है हमारी माइटी ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। फिर ये एक रिवर देखिए, उसका नाम क्या है, दिकू रिवर आती है यहाँ से, कहाँ से, नागालैंड से आती है दिकू रिवर कौन सी, कहाँ से आती है, नागालैंड से आती है दिकू रिवर, आके हमारी मिलती है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। ये देखिए, ये भी एक रिवर क्या है, धनसिरी रिवर कहाँ से आती है, आपकी नागालैंड से निकलती है और जाके मिलती है हमारी ये ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है भाई। उसके बाद ये देखिए एक रिवर, इसका नाम क्या है, कपिली रिवर निकलती कहाँ से, हमारी मेघालय से निकलती है, फिर जाके फाइनली ये मिलती है हमारी ब्रह्मपुत्र के साथ। ये सब सारे ट्रिब्यूटरी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये ट्रिब्यूटरी जो दिसांग है और दिकू है, फिर धनसिरी है, फिर आपका कपिली है। कपिली तो हमारी लॉन्गेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता है, ठीक है।
ये रिवर के नाम में क्या है, देखिए कुलसी रिवर, कुलसी रिवर कहाँ से निकलती है, हमारी मेघालय से निकलती है और जाके मिलती है हमारे ब्रह्मपुत्र के साथ। और ये देखिए एक रिवर, उसका नाम है दुधनई, और ये इसकी इसकी ये रिवर के नाम क्या है, कृष्णई, और ये ज्वाइन होती है यहाँ पे और जाके मिलती है हमारी ब्रह्मपुत्र के साथ। ये भी हमारे साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी हमारे साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर ये देखिए एक रिवर यहाँ से निकलती है हमारी मेघालय से और असम की बॉर्डर होके आती है, इसका नाम क्या है, जिंजीराम। और ये एक रिवर देखिए मेघालय से निकलती है, इसका नाम क्या है, जिनारी। और दोनों पहले ज्वाइन होती है, फिर जाके मिलती है हमारी ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए ये हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सी स्टेट से कौन सी रिवर निकल रहा है ये और एक बार देख लेते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम को आपको एग्ज़ाम में आपको कोई गलती नहीं होना चाहिए आपको ये चीज़ में, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पूछता है आपको एक्जैक्टली करेक्ट आंसर आना चाहिए इनकी, ठीक है। ये देखिए हमने डिस्कस करी अभी अभी, ये जो हमारी वो है कमिंग रिवर है, अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है ये हमारी सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर की कहाँ से निकल रही है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है। ये तो हमने अभी अभी देखे, देखिए हमारी जो ब्रह्मपुत्र घुसती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में घुसने को इसका नाम तो सबसे पहले होती है हिल रीजन में सियांग, फिर प्लेन रीजन में दिहांग, ठीक है। फिर ये जो एक आपकी दिबांग रिवर और लोहित रिवर मिलती है कि असम में, ये रिवर के साथ, तो ये रिवर के साथ जब असम में मिलती है कि तब इसका नाम पड़ती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये हमारी साउथ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये देखिए हमारी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी सारा हो जाएंगे। दिसांग, दिसांग कहाँ से निकलती है, हमारी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। फिर ये देखिए दिसांग, फिर ये देखिए दिकू, दिकू कहाँ से निकलती है, नागालैंड से निकलती है, ठीक है। फिर आपकी ये देखिए धनसिरी, धनसिरी कहाँ से निकल रही है, नागालैंड से निकल रही है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हो गए। ये देखिए आपको कोपिली, कोपिली हमारी मेघालय से निकल रही है, फिर जाके ब्रह्मपुत्र मिल रही है, ठीक है। फिर ये देखिए हमारी कुलसी, कुलसी कहाँ से निकल रही है, मेघालय से निकल रही है और जाके ब्रह्मपुत्र मिल रही है। ये देखिए दुधनई, और ये देखिए कृष्णई, ये मिल रही है फिर हमारी जाके ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। फिर ये देखिए जिंजीराम और जिंजीरी, जिंजीराम और जिंजीराम जिनरी, जिनरी जिंजीराम और जिनरी पहले मिलती है, फिर जाके हमारी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ये हो गया हमारे सारा साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ये। और देख लेंगे इधर से आके तीस्ता मिलती है बांग्लादेश में, फिर इसके नाम होती है जमुना, फिर ये जमुना जाती है, फिर इधर से गंगा आती है, इंडिया से गंगा आती है, फिर आके मिलती है, फिर इसका नाम पड़ता है पद्मा। फिर इधर से हमारी बराक रिवर निकलती है मणिपुर से, मणिपुर से होके इधर नागालैंड चूके, इधर देखिए मणिपुर से, मणिपुर से निकलती है नागालैंड के बॉर्डर से चूके, इधर मिजोरम चूके, फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर बांग्लादेश में घुसती है, बांग्लादेश में घुसने वाले इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये आपकी सुरमा, ये कुशियारा नाम से डिवाइड होती है, फिर जाके मिलती है हमारे पद्मा में, फिर इसका पद्मा में मिलती है, फिर इसका नाम पड़ती है मेघना, और मेघना नाम से जाके वह बंगाल में गिरती है, ठीक है भाई। ये इतना हो गया हमारी पूरा बराक सिस्टम, बराक रिवर सिस्टम। और अब हम देखेंगे क्या, पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का सारा ट्रिब्यूटरी देखेंगे, फिर बराक रिवर सिस्टम का पूरा ट्रिब्यूटरी देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई ये देखिए नॉर्थ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का राइट बैंक और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, ये देखिए एक ट्रिक मैंने सिखाया था कहीं से, तो ये याद रखिए। देखिए सोन बाबू जिया एक चंपा, तुम सोन को कह रहे हो सोन बाबू जिया एक चंपा, जिया एक जिनको पता नहीं है असामी में ये डॉटर को जिया एक बोला जाता है, ठीक है भाई। तो इसीलिए सोन बाबू जिया एक चंपा, तो ये वर्ड हो गया, इसको आप बार बार बोलेंगे, तीन चार बार बोलेंगे तो जिया एक मतलब ये आपका डॉटर है चंपा, ठीक है। सोन बाबू जिया एक चंपा, ये वर्ड को आप याद रख लीजिए। और उसके बाद क्या है, सारे गामा पा, ठीक है। ये देखिए एक ट्रिक है, इसमें सारे ब्रह्मपुत्र का रिवर नहीं आते हैं, ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, लेकिन मैक्सिमम आ जाते हैं। देखिए आप पूरा लिस्ट देखेंगे तो उसमें 23-24 रिवर होते हैं, तो उनको सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक में जितना फिट होता है इनको इतना याद रख लीजिए, आपका एलिमिनेशन ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सोन, सोन का मतलब है शंकुश, शंकुश। फिर बाबू से बर गंगा, बाबू से बीए से देखिए बर गंगा, और बाबू बुरोई, ये आप देखिए बीयू से क्या होता है आपकी बुरोई, बुरोई रिवर, बुरोई रिवर। और जीआई से होता है जियाइक,
देखिए ऑल जियाई रिवर आर नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी, जितने रिवर के सामने जियाई लगा होगा, जय बरेली, जय, ये सब जितना रिवर है सबको, सब क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। या आप सीधा सीधा याद रख लीजिए ये चीज़, इससे हो जाएगा। फिर चंपा, चंपा से चंपावती रिवर, चंपा से चंपावती रिवर, ठीक है, ये रिवर हमारी हो गई। फिर सारेगामा से देखिए ऐसे आपका सरला होता है, ठीक है, आर ऐसे रंगा नदी, रंगा नदी होता है। फिर जी ऐसे आपका गदाधर और गंगाधर, गदाधर और गंगाधर दो रिवर है, ठीक है, तो जी ऐसे दो रिवर याद लीजिए, गदाधर और गंगाधर दो रिवर। और एम ऐसे देखिए मानस हो गया, फिर पी ऐसे आपका पगला दई हो गया, ये सारा हो गया आपका देखिए नॉर्थ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये ट्रिक को याद रख लीजिए, आप इजीली आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे और आंसर आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप साउथ बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, साउथ बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखिए ट्रिक क्या है, बूरी जिन जिन बुत खेदी दी जान, ठीक है, तो बूरी से बूरी जिन जिन बुत खेदी बुत बुत खेदी दी जान, बुरी से आप याद रख लेंगे बुरी दिन, बुरी से आप याद क्या रख लेंगे बुरी दिन। फिर जिन जिन से जिंजीरा, फिर जिन से जिनारी, फिर बुत BU BH U से क्या रख, क्या याद रख लेंगे बुक दोई, फिर टी से टी एक याद रख लेंगे, फिर कैसे कैसे दिखे क्या, ऑल रिवर नेम स्टार्ट विथ के आर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, जितना रिवर है आपकी के से स्टार्ट होता है वो सारा साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इतना इजीली आप याद रख लेंगे इस चीज़ को, तो आपको एग्जाम में टिक कर लेंगे आंसर, ठीक है। फिर डी, और डी से जितना रिवर है, ऑल रिवर्स नेम स्टार्ट विथ डी आर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज। एक्सेप्ट देखिए, एक्सेप्शन है एक दिक्रोंग रिवर, एक दिक्रोंग रिवर है, इसको छोड़ के जितना डी से नेम स्टार्ट होगा रिवर का वो सारा क्या हो जाएगा, सारा क्या हो जाएंगे आपकी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, ठीक है। फिर जान, जान से जानजी, जानजी भी एक रिवर है, ये आप याद रख लेंगे। तो ये आपकी इतना हो गया सारा साउथ और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर का हो गया, आप इजीली जिसको याद रख लेंगे, ठीक है। देखिए बराक रिवर सिस्टम में आपको बता चुका कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है मणिपुर से, मणिपुर से निकाल के इधर नागालैंड के बॉर्डर से होके इधर आती है, ऐसे आती है, फिर इधर आके आपकी मिजोरम के बॉर्डर से होके फिर असम में घुसती है, फिर असम में घुस के फिर बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में दो पार्ट होती है, सुरमा और कुशियारा, ठीक है। फिर ऐसे जाके मिलती है, फिर मिलने के बाद ये इसका नाम पड़ता है मेघना, फिर इधर से जाके पद्मा आती है, इसे मिलती है, फिर मेघना के नाम से वह बंगाल में गिरती है, ठीक है। ये हमारी हो गया बराक रिवर सिस्टम, बराक रिवर सिस्टम देखिए, बराक रिवर सिस्टम का सारे ट्रिब्यूटरी देखते हैं इसमें हम। ये देखिए बराक रिवर सिस्टम यहाँ से मणिपुर से निकलती है, ठीक है, फिर इधर आके हमारी असम में घुसती है, असम में घुसने के बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है, देखिए इधर इधर का इधर क्या है आपकी साउथ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, साउथ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जीरी चीरी माधुरा और चाटिंगा और मरांग, जीरी चीरी मधुरा जटिंगा मरान, जीरी चीरी मधुरा जटिंगा मरान, जीरी चीरी मधुरा जटिंगा मरान, आप 5-6 बार ऐसे याद रख लेंगे तो ये आप सीरियली इनको याद रख सकते हैं। देखिए आपको कह सकता है आप ईस्ट से लेके वेस्ट तक लगाइए, तो ऐसे आप सीरियली याद रख लेंगे तो ये सबसे ईस्टर्न कौन सी है, जीरी, फिर चीरी, फिर मधुरा, फिर जटिंगा, फिर मरांग, ऐसे आप याद रख लेंगे तो आप इजीली लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट पूछे आपको और वेस्ट टू ईस्ट पूछे, कुछ भी पूछे आप ये लगा सकते हैं ऐसे सीरियली, ठीक है। ये आपके हो गया, सॉरी मैंने शायद इसमें साउथ बैंक बोल दिया, ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है और इनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, जीरी चीरी मधुरा जटिंगा और मरांग,
ठीक है, ये सारे हो गया। इधर इधर का जो रिवर है इनको क्या कहा जाता है, साउथ बैंक, साउथ बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी है हमारी, देखिए सबसे पहले तो सुनाई, उसके बाद रुकनी, उसके बाद घाघरा, उसके बाद देखिए इधर मिजोरम से एक रिवर आती है। ठीक है, बहुत मिजोरम से निकाल के एक रिवर आती है, उसके नाम क्या बोला जाता है, धलेश्वरी। और यह हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट से होकर आती है, धलेश्वरी निकलती है, फिर यहाँ पे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो धलेश्वरी रहता है और एक कटाकाल हो जाता है, फिर आके ये बराक रिवर में मिलती है। ये देखिए कटाकाल रिवर, ये देखिए आपके धलेश्वरी रिवर। ठीक है, फिर जाके आपको बराक रिवर में मिलती है, फिर आपकी ये एक रिवर निकलती है ऐसे, इसका नाम का क्या बोला जाता है, सिंगला बोला जाता है, सिंगला बोला जाता है, फिर जाके मिलती है हमारी बराक रिवर पे। फिर ये एक देखिए लोंगाई, लोंगाई रिवर यहाँ से निकलती है, फिर जाके मिलती है हमारी बराक रिवर पे। ठीक है, ये सारा हो गया हमारी साउथ बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। ठीक है, आप दो तीन बार इनको बोल दीजिए, दो तीन बार अपने लेक्चर को सुन लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे असम का माउंटेन रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, सब मैक्सिमम माउंटेन वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, और एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए असम का ये एक माउंटेन है, मिकिर हिल। ठीक है, मिकिर हिल, और इसको क्या बोला जाता है, कार्बी आंगलोंग हिल बोला जाता है, कार्बी आंगलोंग प्लेटू बोला, प्लेटू में होता है, प्लेटू में है ये हिल। ठीक है, तो ये पार्ट किसका पार्ट है, आपके गारो खासी जयंती का पार्ट है। तो ये गारो खासी जयंती और मिकिर किसका पार्ट है, आपका पेनिनसुला प्लेटू का पार्ट है, ओल्डेस्ट प्लेटू बोला जाता है इसको। ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेटू का पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक दूसरा हिल है हमारी क्या है, बराइल रेंज। बराइल रेंज क्या है, बराइल रेंज हमारी हिमालयन का पार्ट, हिमालयन माउंटेन का पार्ट है। ठीक है, ये जो यमफोल माउंटेन इधर इधर आती है, इसके इसकी पार्ट है ये हमारी बराइल रेंज। ठीक है, तो ये अब अच्छे से याद रखिए, बराइल रेंज यमफोल माउंटेन हिमालय का पार्ट है, लेकिन मिकिर और कार्बी आंगलोंग प्लेटू, ओल्डेस्ट प्लेटू जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है, इसकी पार्ट है, गारो खासी जयंती भी इसके पार्ट है। यहाँ पे मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ये जो जगह है इसको मालदा गैप बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ये सब मैं सब बता चुका हूँ, पीछे आप जाके दूसरे सेकेंड वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा मैप से बताया मैंने, पटका बम कहाँ पे है, नगा हिल कहाँ पे है, फिर मिजो हिल कहाँ पे है, फिर आराकान यामा माउंटेन बताया मैंने, फिर आपके अंडमान निकोबार एक्सटेंशन ऑफ हिमालय माउंटेन, सारा चीज़ मैंने बताया है वहाँ पे, आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा बताने लगूँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप वहाँ जाइए, उनको देखिए और याद करिए आप। देखिए यहाँ पे हिल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ असम, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ असम पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, बोराइल रेंज बोलेंगे। ठीक है, इन असम हाईएस्ट पीक ऑफ बोराइल रेंज, असम में हाईएस्ट पीक बोराइल रेंज का क्या है, लाइकी पीक। असम में जो बोराइल रेंज का हाईएस्ट पीक है उसको क्या बोला जाता है, लाइकी पीक। ठीक है, ओवरऑल हाईएस्ट पीक ऑफ बोराइल रेंज, ओवरऑल हाईएस्ट पीक बोराइल रेंज का क्या है, माउंट जाफू बोला जाता है इसको, माउंट जाफू, ये कहाँ पे, नागालैंड में है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट पीक अगर आपको पूछा जाता है तो माउंट दफा, माउंट दफा एक कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन है, उसका नाम बोला जाता है माउंट दफा, ये नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ आपका कार्बी आंगलोंग प्लेटू, हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी आंगलोंग प्लेटू क्या है, सिंहासन बोला जाता है उसको। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ मिकिर रेंज दाम्बुज को बोला जाता है इसको, मिकिर रेंज का जो हाईएस्ट पीक है इसको क्या बोला जाता है, दाम्बुज को बोला जाता है, दाम्बुज को बोला जाता है, ये एक हिल है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, एक छोटे छोटे फैक्ट है, कभी पूछ ले आपको एग्जाम में, आप इजीली याद रख लेंगे, दो तीन बार रिवाइज कर लेंगे तो। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, इसको याद, सारे नेशनल पार्क को आपको ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक इजीली याद हो जाएगा, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए आरएमओ, आरएमओ आप जानते होंगे, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, और ये एक वेल नोन फिगर है, आप सब लोग जानते हैं, नीतीश कुमार, एनके नीतीश कुमार। फिर DS आप याद रख लीजिए, फिर DP तो सबको पता है, व्हाट्सएप में सबके लगाते रहते हैं, DP याद रख लीजिए, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर नीतीश कुमार, DSDP ऐसे याद रख लीजिए, तो इजीली आपको सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये कौन सी, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे हमारी वेस्ट साइड में। ठीक है, फिर आपकी मानस नेशनल पार्क, फिर औरंग नेशनल पार्क, फिर आपकी नामेरी, फिर काजीरंगा, फिर आपकी डिब्रू साइकिया नेशनल पार्क, फिर आपको दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, ये सारा पार्क आपको वेस्ट से लेके ईस्ट तक याद हो गई। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले सारे डिस्ट्रिक्ट आपको रटवाया था। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, देखिए आप ऐसे याद रख लेंगे कौन सी, देखिए ये
आपको वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है कौन सी, आपकी रायमोरा नेशनल पार्क कहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपकी कोकराझार में है, कोकराझार में रायमोरा नेशनल पार्क, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले देख लेंगे वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, कोकराझार, कोकराझार में कौन सी है, रायमोरा नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे देखिए आप चिरांग और बक्सा के बीच में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम कौन सी है, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट रटने की ज़रूरत नहीं, आपको पोजीशन पता है आप एकदम याद रख लेंगे, और कैसे पोजीशन को याद रखने, कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। फिर इधर जाएंगे, इधर जाने के बाद ये आपको आएगा औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क यहाँ पे, ठीक है, औरंग नेशनल पार्क ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, आपकी दोरंग में आ रहा है, मोरीगांव में आ रहा है, ठीक है, फिर नौगांव में आ रहा है, फिर सोनितपुर में आ रहा है, ये सारे पार्ट में आ रहा है फिर, ठीक है, फिर आपकी औरंग नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे एक नेशनल पार्क है आपकी नामेरी नेशनल पार्क, आपकी सोनितपुर, सोनितपुर और आपकी विश्वनाथ के बीच में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, गुलाघाट में आ रहा है, आपकी कार्बी आंगलोंग में आ रहा है, आपकी नुआगांव में आ रहा है, सोनितपुर में आ रहा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर इधर आएंगे हम और दूर नेशनल पार्क बच रहा है डिब्रू साइकिया नेशनल पार्क, डिब्रू साइकिया नेशनल पार्क ये देखिए तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के अंदर है। फिर ये धींग पटकाई वाइल्ड नेशनल पार्क ये देखिए हमारे तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के बीच में आती है, ठीक है, ये सारा हमारे नेशनल पार्क हमें याद हो जाएगा, याद हो गया, ठीक है, ऐसे याद, ये तो ट्रिक आप याद रख लेंगे, RMO NK DSDP, तो ऐसे याद रख लीजिए, देखिए पहले ऐसे दो, ठीक है, फिर देयर फोर ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है, फिर दो, ठीक है, ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा, मैं इनको इतने बार आपको रिवाइज़ कराता हूँ यही भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए कौन सी नेशनल पार्क में, कौन सी नेशनल पार्क में कौन सी रिवर आके मिलती है, ठीक है। फिर ये देखिए आपकी सबसे पहले मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क मानस रिवर आके मिल रही है, इधर से भूटान से मानस नेशनल पार्क आके मानस नेशनल पार्क के थ्रू होके जाके ब्रह्मपुत्र मिल रही है, ठीक है। फिर इधर से देखिए हमारी कौन सी रिवर निकलती थी, धनसिरी रिवर, धनसिरी रिवर इधर से निकल रही है, देखिए निकल के जाके ऐसे 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 जाके हमारी औरंग नेशनल पार्क में मिल रही है, ठीक है। फिर इधर से ये देखिए आपकी कामिंग नेशनल पार्क, कामिंग रिवर आके थ्रू ये आपकी नामेरी नेशनल पार्क के थ्रू होके आके यहाँ पे मिलती है हमारी ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। फिर ये देखिए हमारी डिब्रू साइकिया नेशनल पार्क, डिब्रू साइकिया नेशनल पार्क के थ्रू ये देखिए हमारी आती है इधर से सियांग, फिर दिहांग ये दोनों आ रही है, फिर इधर से दिबांग रिवर आ रही है, फिर इधर से लोहित रिवर आ रही है, ये सारा आके मिल रही है, देखिए हमारी डिब्रू साइकिया नेशनल पार्क में। उसके बाद ये देखिए हमारी दिहांग धींग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, इधर से कौन सी रिवर आ रही है, इसका नाम क्या है, दिहिंग पटकाई में आपके कौन सी रिवर आके मिल रही है, देखिए ये दिहिंग रिवर आके मिल रही है, दिहिंग रिवर के ये दिहिंग पटकाई और दिहिंग रिवर के पास से होके दिहिंग रिवर जा रही है, ठीक है भाई, ये सारा हो गया कौन सी नेशनल पार्क में कौन सी रिवर आके गिर रही है, ठीक है। देखिए कौन सी ट्रिक थी हमारी, RMO RMO, उसके बाद क्या था, नीतीश कुमार DSDP, रायमोना, उसके बाद मानस, उसके बाद औरंग, उसके बाद नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइकिया और दिहिंग पटकाई, ठीक है, देखिए ट्रिक से कैसे एकदम याद हो गई आपको, टोटल 7 नेशनल पार्क ही है तो सबको पता है असम में, और 6 नेशनल पार्क कौन सी है, रायमोरा नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क 2021 में बनाया गया था, फिर 7 नेशनल पार्क कौन सी है आपकी दिहिंग पटकाई 2021 में ये भी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है भाई। फिर चलिए अभी हम डिटेल देखते हैं ये एक एक नेशनल पार्क को, सबसे पहले देखिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क, तो देखिए ट्रिक लगाइए, ट्रिक से मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे याद रखिए एक दो, फिर यहाँ पे देयर फोर बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, फिर ऐसे लगाइए, देखिए तो यहाँ पे क्या आता है, ये देखिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रायमोरा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, फिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और धींग पटका नेशनल पार्क, ऐसे ये कर लीजिए, एक एकदम याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या है
काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट याद करा चुका हूँ, यहाँ पे गुलाघाट और आपकी नौगांव ये सब सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो आप एकदम डिस्ट्रिक्ट जैसे जैसे याद कराया था मैंने आपको, एकदम रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है काजीरंगा। ठीक है, टोटल एरिया कितना है, करेंट एरिया देखो 1090 है स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये पूरा डाटा करंट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैंने रेंज बता रहा हूँ आपको, करंट बिल्कुल अपडेटेड डाटा है। ठीक है, उसके बाद इसको रिजर्व फॉरेस्ट को बनाया गया था 1908 में, बनाया गया था इसको रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद गेम फॉरेस्ट को बनाया गया था इसको 1916 में, बनाया गया था इसको गेम फॉरेस्ट। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। भाई डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको बताना पड़ेगा 1950 में बनाया गया था। उसके बाद नेशनल पार्क 1974 में नेशनल पार्क बनाया गया था। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया, 1985 में बनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज काजीरंगा को। उसके बाद देखिए टाइगर रिजर्व 2006 में बनाया गया, काम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 2007। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर का काजीरंगा नेशनल पार्क में, और बिग फाइव ऑफ काजीरंगा बोला जाता है। ये पांच एनिमल को बिग फाइव ऑफ काजीरंगा बोला जाता है, कौन कौन सी हैं, इंडियन एलिफेंट और रॉयल बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनोसरस और आपका ईस्टर्न स्वैम्प डेयर और वाइल्ड बफेलो। ये पांच एनिमल को क्या बोला जाता है, बिग फाइव ऑफ काजीरंगा बोला जाता है। और उसके बाद इससे कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है काजीरंगा से, एक तो ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है, ठीक है, फिर मोरा डिफू एक रिवर फ्लो होती है, फिर डिफू एक रिवर फ्लो होती है, फिर मोरा धनसिरी, ये तीन चार रिवर फ्लो होती है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो होती है, इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट बार्ड एरिया भी है, बार्ड लाइफ इंटरनेशनल ने डिक्लेयर किया है एक इम्पॉर्टेंट बार्ड एरिया भी है कौन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब मानस नेशनल पार्क में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको एकदम याद आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले रायमना नेशनल पार्क, फिर मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये चिरांग और बक्सा के बीच में है, बक्सा में है। ठीक है, और एरिया कितना है, 850 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी करंट अपडेटेड डाटा है एज़ पर न्यूज़पेपर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी ईयर में डिक्लेयर हुआ, 1928 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ। ठीक है, फिर टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ, 1973 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुआ, 1985 में डिक्लेयर हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ, 1989 में डिक्लेयर हुआ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ, 1990 में डिक्लेयर हुआ नेशनल पार्क। फिर रिवर कौन सी इससे फ्लो होती है, मानस रिवर फ्लो होती है इसके थ्रू, इसके बीच में से। ठीक है, और इसमें पाया क्या किया जाता है, हेस्पिड हेयर और पिकमी हॉक दो एनिमल पाया जाता है इसमें फेमसली। और पार्ट ऑफ भूटान रॉयल नेशनल पार्क, भूटान रॉयल नेशनल पार्क का ये एक पार्ट है हमारे, क्या है, मानस नेशनल पार्क। यह हो गया आपकी मानस नेशनल पार्क के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन सी जगह में लोकेटेड है, क्या क्या कब क्या डिक्लेयर हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट सारा हो गया। उसके बाद आपकी नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये है आपकी नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, ये आपके ओरांग हो जाएगा, फिर ये क्वीन आपकी नामेरी हो जाएगा। नामेरी यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आपको सोनितपुर विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको पहले से डिस्ट्रिक्ट याद करा रखा है तो आप एकदम याद कर लेंगे। ठीक है, एरिया कितना है, 212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, इसकी आपकी नामेरी नेशनल पार्क की। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट कब डिक्लेयर किया गया इसको, 1978 में रिजर्व फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया इसको, 1987 में डिक्लेयर किया गया सेंचुरी। उसका नेशनल पार्क 1998 में डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क। उसके बाद टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया, 1999 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया। काम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 2001 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया, ये जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया इसको 1999 में, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया कब, ये 2001 में आया। इसमें पाया क्या क्या चीज़ पाया जाता है, फाउंड व्हाइट विंग्ड डक्ट, ये एंडेंजर्ड एनिमल है, एंडेंजर्ड बर्ड है, ये हमारे आसाम का क्या है, स्टेट बर्ड है। ठीक है, व्हाइट विंग डक इसको देहास भी बोला जाता है। ठीक है, ये एंडेंजर्ड पाया कहा जाता है नामेरी नेशनल पार्क में। और कौन कौन सी रिवर इसके थ्रू फ्लो होती है, जयबराली और बोर दिखो राई रिवर, ये दो रिवर
जय बरेली और बोरधिकोरा रिवर इसके थ्रू इसके बीच में से फ्लो होती है, नामेरी रिवर के बीच में से। ठीक है भाई, ये आपका नामेरी नेशनल पार्क का जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा कवर होता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं औरंग नेशनल पार्क में। औरंग देखिए, यहाँ से हम देहरादून बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ये याद कर लीजिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा ये। ठीक है, तो एरिया 299 स्क्वायर किलोमीटर है। गेम रिजर्व कब बनाया गया था इसको, 1915 में गेम रिजर्व बनाया गया था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब इसको डिक्लेयर किया गया, 1985 में डिक्लेयर किया गया। उसके बाद नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, 1999 में डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है। क्यों इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है, सेम काजीरंगा के जैसे लैंडस्केप है, सेम स्वैम्प फॉरेस्ट पाया जाता है इसमें, और सेम तुम्हारी फ्लोरा फोना पाया जाता है काजीरंगा जैसा, इसीलिए औरंग को मिनी काजीरंगा बोला जाता है। ऐसे याद रख लीजिए, ओएम से याद रख लीजिए, औरंग को मिनी काजीरंगा बोला जाता है, मिनी काजीरंगा, या ओके से याद रख सकते हो, औरंग को मिनी काजीरंगा बोला जाता है, काजीरंगा है ना, कैसे काजीरंगा और ओ से औरंग। ठीक है भाई, रिवर कौन कौन सी फ्लो होती है इसके थ्रू, देखिए धनसिरी और पेचनोई और ब्रह्मपुत्र। धनसिरी, पेचनोई और ब्रह्मपुत्र ये तीन रिवर फ्लो होती है इसके थ्रू औरंग नेशनल पार्क के थ्रू। ठीक है, फिर ये देखिए हम पढ़ते हैं अभी कौन सी, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे 300 किया और डिब्रूगढ़ के बीच में। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये इसका एरिया कितना, 340 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी एरिया है। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट कब डिक्लेयर किया गया, इसको 1890 में डिक्लेयर किया गया, 1890 में डिक्लेयर किया गया, 1890 में डिक्लेयर किया गया इसको रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, 1999 में डिक्लेयर किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व कब डिक्लेयर किया, 1997 में डिक्लेयर किया गया इसको डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को। ओनली नेशनल पार्क जिसमें आपको क्या पाया जाता है, वाइल्ड हॉर्स और फेरल हॉर्स पाया जाता है। ओनली नेशनल पार्क इसमें क्या पाया जाता है, वाइल्ड हॉर्स और फेरल हॉर्स पाया जाता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसमें से कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, लोहित और डिब्रू, ये तीन रिवर इसलिए फ्लो होती है, लोहित रिवर फ्लो होती है, डिब्रू रिवर फ्लो होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से अब देखिए रायमना नेशनल पार्क। रायमना नेशनल यहाँ पे कोकराझार में। ठीक है, एरिया देखो 422 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पार्ट ऑफ चिरांगरिपु एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है रायमना नेशनल पार्क। उसके बाद देखो इसमें पाया क्या क्या जाता है, गोल्डन लंगूर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिवर कौन कौन सी, संकुश और सरला रिवर, सरलबंगा रिवर इसके थ्रू फ्लो होती है। ठीक है, रायमना नेशनल पार्क जो संकुश रिवर और सरलबंगा रिवर। उसके बाद डिक्लेयर कब किया गया इसको नेशनल पार्क, 5 जून 1921 में डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क, और ये 6th नेशनल पार्क है। उसके बाद क्या है हमारी दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, देखिए दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे है। उसके बाद एरिया कितना है, 231 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया इसको, 2004 में। उसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क कब, 9th जून 2021 में डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड अमेजन ऑफ द ईस्ट, अमेजन ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है, दिहिंग पटकाई डीपी को कहा जाता है, डीपी को आपको अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और लेटेस्ट ये नेशनल पार्क है, 7th नेशनल पार्क है। ठीक है भाई, ये सारा नेशनल पार्क के रिलेटेड सारा डिटेल्स थी। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए 4 टाइगर रिजर्व आसाम में है। याद रखने का तरीका क्या है, एम एन को याद रख लीजिए, एम से क्या है तो आपके मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, ये आपके 4 टाइगर रिजर्व है आसाम में। ठीक है, फिर याद रखिए 2 आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है, एमडीसी याद रख लीजिए, एमडीसी याद रखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडीसी मानस। इसको कब ये बनाया गया, आपकी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया 1989 में बनाया गया, 89। और डिब्रू सैखोवा को आपकी ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया, 1997 में बनाया गया, 1997 में बनाया गया। ठीक है, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया आपका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट दो नेशनल पार्क को दिया गया, आप याद रख सकते हैं ऐसे, एम से कौन सी आपकी मानस हो गया और कैसे आपकी काजीरंगा हो गया, दोनों को 1985 में दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। ठीक है भाई, ये मैंने लिखना भूल गया, आप लिख लीजिए आपकी नोट्स में। ठीक है, और 5 एलिफेंट रिजर्व है आसाम में। ठीक है, चिरांगरिपु एलिफेंट रिजर्व और सुनीतपुर एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा
कार्बी अंगलोंग इंडिपेंडेंट रिजर्व और धनसिरी लोम जिटिंग एलिफेंट रिजर्व, लोम जिटिंग एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी लोम जिटिंग एलिफेंट रिजर्व, ये हमारे कितना हो गया, पांच एलिफेंट रिजर्व हमारे असम में है, ठीक है। और देखिए क्या है, दो माइक साइट है असम में। माइक साइट मतलब क्या है, आपकी एलिफेंट की थ्रेट, जो एलिफेंट जिस जगह एलिफेंट ज़्यादा थ्रेट में है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किलिंग विलिंग ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए माइक साइट बताया गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है। तो इसको दो माइक साइट इंडिया में है, ठीक है, एक चिरांग रिपू और दिहांग पटकाई, दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व और आपकी दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये दो दो माइक साइट है आपकी, ठीक है। ये जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। देखिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करूँगा, मैं जितना इंपॉर्टेंट, जितना टाइप ऑफ सॉयल, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितना है, यह सब चीज़ें हम, जितने चीज़ें रह गए वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अब अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, वीडियो के थ्रू, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।